बंधुगण नमस्कार, मुँ ज्ञानरंजन पाढ़ी। मोर यूट्यूब चैनल प्रगति पथे ओडिया तरफ मु आपण को स्वागत जनाऊँ। बंधुगण किछि दिन परे मु पुणी आपण को भेटी देवा को आसी आउ एक नुआ वीडियो जहाँ 10th क्लास बोथ CBSE एंड BSE ओडिशा बोर्ड पाई प्रजोज्य वाक्य विचार एहा केवल जे 10th CBSE BSE एग्जाम पाई उपयोगी ताहा नुहे। एहा जित्ते कॉम्पिटेटिव एग्जाम होउची सबु कॉम्पिटेटिव एग्जाम पाई एहा मध्यम फलप्रद हेबो। बंधुगण आपण माने जदि एजाबत मो चैनल टी को सब्सक्राइब करिनांती तबे दयापूर्वक सब्सक्राइब करनियंतु, जहाद्वारा मु जहा जा नूतन वीडियो अपलोडिंग करिबी तार नोटिफिकेशन आपण पाई परिबे। बंधुगण यह RI SI OAVS KVS NVS CHT CT BED ASO OSSC इत्यादि समस्त एग्जाम पाई यह उपयोगी। सबु एग्जाम रे एथुरु प्राय क्वेश्चन आसुची, तेणु बंधुगण वीडियो टिक मोर आरंभ रु शेष पर्यंत देखिया पाई इच्छा करंतु, जहा द्वारा आपणकर उपकार हेबो। बंधुगण आउ काल विलंब न करी आमे आमर वीडियो टिकु स्टार्ट करिबा। वर्तमान आमे जिबा वाक्य विचार, जे पिला माने तुम्हें समस्त जानिछ जे वाक्य विचार बहुत तल क्लास रु मध्ये अछि, जे मुख्यतः आमे ई वाक्य विचार रे आलोचना करिबा जे वाक्य कहाकु कुआ जाए, वाक्यर प्रकार भेद, जे वाक्य कहाकु कुआ जाए एटा आमे समस्ते प्राय मन को गोटे क्वेश्चन आसे। समस्ते वाक्य प्रतिदिन शहश वाक्य कहउछंती किंतु वाक्य कहा को कुआ जाए समस्तंकर ए आइडिया न थाए। जे आमे कहले एको बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को पूर्ण मात्रा रे प्रकाश कले ताको आमे वाक्य कुआ जाए। मन रखियो पड़ी होई हमकु जे एको बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकु वाक्य बोली कहा जाए। एक पद हो पारे बा एकाधिक पद हो पारे, जे किपरि एक पद आउ एकाधिक पद मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करी ता वाक्य होउची, आमे ताहाकु गोटिक परे गोटी आलोचना कले जानी परिबा। जे मु एठी उदाहरण नैछि आपनकु बुझैबा पई, सोमनाथ काली, ए सोमनाथ काली वाक्यटी मु कहिला केणे आपण किछि ठीक से बुझी पारु। सोमनाथ काली कलिकता जीव कि सोमनाथ काली घर को जीव कि सोमनाथ काली मिठा खाइब कि सोमनाथ काली क्रिकेट खेलिबो, इत्यादि बहुत भावना आसुची। जेहेतु आमे कोनोसी भावटा को पूर्ण करि नाहंती तेणु सोमनाथ काली या एक वाक्य हेबो नाही। द्वितीय उदाहरण आमे नै छथी, गछरे चढ़ी, जे कौन गछरे चढ़ी, गछरे तोली चढ़ी कोली तोलिला कि गछरे तोली डाल भांगिला कि गछरे चढ़ी डेई पड़िला, इत्यादि विभिन्न भाव मन को आसुची। किंतु गछरे चढ़ी यह संपूर्ण भाव में आम मनर भाव को प्रकाश करू ना, तेणु यह मध्य एक वाक्य नुहे। तीन नंबर उदाहरण को जीवा, फूल तोला, कौन फूल तोला, किए फूल तोला, कहीं फूल तोला, तेणु या मनर भाव को किसी मात्रा रे प्रकाश करूना, तेणु या जेहेतु मनर भाव को संपूर्ण भाव प्रकाश कर पारना ये तीनो उदाहरण, तेणु यह सार्थक वाक्य हेबो नाही। आमे कहिछंती से गोटे पद हौ बा एकाधिक पद हौ जदि मनर भाव को पूर्ण मात्रा रे प्रकाश करिवो तेबे आमे ताकु वाक्य बोली कहिबा। तेणु आमे देखिले प्रथम उदाहरण सोमनाथ काली सार्थक वाक्य नुहे, गछरे चढ़ी सार्थक वाक्य नुहे, तीन नंबर फूल तोला सार्थक वाक्य नुहे। जदि आम ये कौन करवा जे एक नंबर उदाहरण युक्त दुई नंबर उदाहरण युक्त तीन नंबर उदाहरण को आम कौन करवा ना जोड़ी दबा, तेबे ताहा एक वाक्य हेबो एवं मनर भाव को पूर्ण मात्रा रे प्रकाश पाइबो। तेणु कौन है जे जदि आम ताकू जोड़ी दबा कौन हबो, सोमनाथ काली गछरे चढ़ी फूल तोला, वाक्यटी संपूर्ण भाव में बुझा पड़ा।
ଯେ ସୋମନାଥ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି କ'ଣ କଲା, ଫୁଲ ତୋଳିଲା। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଯଦି ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ କଲା ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବାକ୍ୟ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତିନୋଟି ଯାକ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ତାହା ଏକ ସାର୍ଥକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏକ ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ରମେଶ ତୁମେ ଖାଇଛ। ଉଦାହରଣଟା ହେଉଛି ରମେଶ ତୁମେ ଖାଇଛ, ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଆସିବ? ରମେଶ କହ ହଁ ଖାଇଛି, ନହେଲେ ନା, ହଁ ଆଉ ନା ଦୁଇଟା ଉତ୍ତର ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ରମେଶ ତୁମେ ଖାଇଛ ହଁ ଆଇଲା, ତେବେ ଏ ହଁଟା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲା। କ'ଣ ନା ରମେଶ ଖାଇଛି। ଏଠାରେ ହଁ ଏକ ପଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକ ବାକ୍ୟ, କାରଣ ତାହା ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, କ'ଣ ନେବା, ଯେ ଦେଶକୁ ଡଟ ଡଟ ଖ ଉଦାହରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିର ଡ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍। ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଜାତିର କ'ଣ ଥିଲେ, ପିତା ଥିଲେ କି ବାପ କ'ଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଲିଅର ବୁଝା ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବା, କିଭଳି ଭାବରେ, ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବା ତେବେ ତାହା ଏକ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେ ଯେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ଦେଶ ପ୍ରେମୀ, ଯେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ଦେଶ ପ୍ରେମୀ, ଏହା ଏକ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିର ପିତା ଥିଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ, କାରଣ ଏଠି ମନର ଭାବକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କହିଦେଲି ତୁମକୁ, ବାର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମୋତେ ବତେଇଦେଲି, ଯଦି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ବା ତାହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଇଏ ହେଲା ବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଯେ ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ, ଖାଲି ଯେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ ହେବନି, ସେ ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ରହିବା ଦରକାର। କ'ଣ? ଯେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ବା ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଯୋଗ୍ୟତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆକାଂକ୍ଷା, ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆସତି। ତେଣୁ ଆମେ ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ତିନିଟା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଗ୍ୟତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ। ଆମେ ଜାଣିଦେଉ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ତୋର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ନା ମୋର ଏମ୍ ଏ ଏମ୍ଫିଲ୍, ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନେ ମୋ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ସେଗୁଡ଼ା ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର, ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ନ ରହିଲେ ବାକ୍ୟଟା ବାକ୍ୟପଦ ବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା, ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। ଯେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ନେବା, ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ାଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, ଖ ଉଦାହରଣ ନେଇଛନ୍ତି ଛେଳିଟି ଗୀତ ଗାଉଅଛି, ଗ ଉଦାହରଣ ନେଇଛନ୍ତି ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ ନେଇଛନ୍ତି, ତିନୋଟି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଘୋଡ଼ାଟି ଆକାଶରୁ ଉଡ଼ୁଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଣ ବାକ୍ୟର ଅଛି ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଏଠି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୁଆର ଘୋଡ଼ାଟିର ଦୌଡ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାଟିର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ାଟିର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛେଳିଟି ଗୀତ ଗାଉଅଛି, ଯେ ଛେଳି
बोबेइ पारे किंतु छेली गीत गाई पारे ना ह्यूमान सागर भाया गीत गाई पारे ना भिकारी बल भाया गीत गाई पारे ना किंतु छेली गीत गाउची वाक्य हो पारे किंतु सार्थक वाक्य नुह शुद्ध वाक्य नुह कारण वाक्य जो प्रथम लक्षण योग्यता एथि व्यतिक्रम होइछि। ग उदाहरण गछटी पानी रे जळीगला आमे कहउछन्ती गछटी पानी रे जळीगला किंतु वाक्यटी ठीक नुहे जे पानी रो गछ को जळाइबार योग्यता नाही जे पानी केबे गछटा को जोगे कोन करिवो ना जळाई पारिवो नाही जदि होइथांता गछटी निया रे जळीगला तेबे या सार्थक वाक्य होइथांता। जदि प्रथम वाक्य रे आमे देखिले घोड़ाटी आकाश रे उडुची जदि आमे घोड़ा तो आकाश रे उडिबार योग्यता नाही जदि आमे एमिति लेखि पारिबा पक्षीटी आकाश रे उडुची तेबे ताहा सार्थक वाक्य। द्वितीय वाक्य रे छेली गीत गाऊ जे छेली रो गीत गाइबार योग्यता नाही आमे जदि एमिति ताकु लिखिबा मीता गीत गाऊ सीता गीत गाई तेबे या एक सार्थक वाक्य होइथांता। तेणु बंधुगण जे योग्यता कौन आपण माने बुझिपारे जे योग्यता वाक्य रे व्यवहार करा जेतिय पदगुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता कहा जाए तेणु जोठी जा बसवा कथा से कथा कहूनी जे जोठी जार योग्यता रहा दरकार से भाया वाक्य गठन कले सार्थक वाक्य हेब योग्यता जदि ठीक भाव सविनय हो न पाइला तेरे सार्थक वाक्य हो पार ना यह हूँ आपणकर योग्यता तेणु योग्यता उपर आशा किसी डाउट नदी कि डाउट थाए आप मत व्यक्तिगत भाव मत मेल आज जन पारे तापर आम जा गोटे द्वितीय लक्षण जोटा कि वाक्यर आकांक्षा आकांक्षा कहले आपन को बुझा पड़ आकांक्षा आकांक्षा जानवर इच्छा आग को रही जाइ जिज्ञासा जमी आकांक्षा मन भी तो गोटे आकांक्षा रहा दरकार जे कौन आकांक्षा जे वाक्य मध्य गोटे पद जदि अन्य पदर अपेक्षा रखे ताकि आकांक्षा कह जाए मन है जे वाक्य मध्य गोटे पद जदि अन्य पदर अपेक्षा रखे ताकि आकांक्षा कह अर्थात आम जो पद गोटे लिखिले कहले से पदटा आउ गोटे पर पद को अपेक्षा रखुवे से पर पदटा कौन है वाक्यटा गोटे सुंदर वाक्य हो पार सार्थक वाक्य हो पार तेणु वाक्य मध्य गोटे पद जदि अन्य पदर अपेक्षा रखे ताकि आम आकांक्षा बोली कही था वाक्य मध्य यहीपरि आकांक्षा न रे वाक्य पदवाच्य हो नपे जदि वाक्य भितर आकांक्षा न रे सार्थक वाक्य हो पार ना कि वाक्य कौन कै गोटे पद अन्य पद और अपेक्षा रखे अर्थात अपेक्षा करे आ परटा कौन हम अच्छा ये मुझे उदाहरण देखा जे दुईटी उदाहरण प्रथम कौच पाटी परीक्षार डट 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 आम देखते जे पाटी परीक्षार डट डट मान ये वाक्यटा आउ कि वाक्य को अपेक्षा कला पाटी परीक्षार पास कला कि पिलाटी परीक्षा रे फेल हो गला कि पिलाटी परीक्षा देला ना इत्यादि भावना हो तेणु आकांक्षा सब पर पदटा कौन हम ताको लिखने सार्थक वाक्य हम घर टी बात्यार डट 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 घर टी बात्यार कौन है कि मेनसन होनी कितु घर टी बात्यार पर पद को अपेक्षा रखुची जे पर पदटा कौन हो पारे जे उपरोक्त वाक्य अर्थबोध पर आउ कि रही जा रहा नाम हो आकांक्षा है जे वाक्य मध्य अर्थबोध पर आउ किछि रही जाइछि जार नाम होछि आकांक्षा अर्थात पिलाटी परीक्षा रे कृतकार्य हला जदि कहिले ताहला सार्थक वाक्य घरटी बात्या रे ये मध्य किछि पूर्ण हेबा पई आउ किछि कहार बा आउ किछि रही जाइछि बोली उद्बोध होछि त जहा रही जाइछि ता होछि आकांक्षा जदि आमे करिवा घरटी बात्या रे भांगी गला तेबे या हला सार्थक वाक्य बुझीगला तेणु वाक्यर आकांक्षाटा बुझीपार योग्यता कही सारि आकांक्षा कही सारि अच्छा तापर आम देखा तृतीय नंबर लक्षण हूँ सार्थक वाक्यर आसति बहुत इम्पोर्टाटा आसति बंधुगण ध्यान सहित टी शुणु या बहुत सहज कथा न शुणिले कष्ट लगे जहाँ असुविधा जहाँ होती सर्ट नोट कर पुनश आप पढ़े
ए वीडियो टी देखिले आपणकर डाउट क्लियर हो जदि आपण किसी डाउट रोचे तेब मत पचारि पारती जे से कथा जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करना प्रगति पथे ओडिया तेब चैनल टी सब्सक्राइब करनी जे वाक्यर तृतीय लक्षण आसती वाक्य मध्य पदगुड़िक एपरी क्रम सज्जित होती जे गोटे पद श्रवण करने परवर्ती पद श्रवण कले ज्ञानर धारा अविच्छिन्न रहे तेणु वाक्य मध्य जो शब्द पर जो शब्द बसाइबा आवश्यक यही पद्धति को आसती कहुए बुझेगा आउ थे कहीदे वाक्य मध्य पदगुड़िक एपरी क्रम सज्जित होती जे वाक्य भितर पदगुड़िक एपरी भाव सज्जित होती जे गोटे पद श्रवण करने परवर्ती पद श्रवण कले ज्ञानर धारा अविच्छिन्न रहे अर्थात ज्ञानर धारा रे किछि आउ बाधा बाधक हुए ना ज्ञानर धारा अविच्छिन्न रहे तेणु वाक्य मध्य जो पद पर जो शब्द पर जो शब्द बसाइबा आवश्यक से पद्धति को आम आसती कहती अर्थात कर्ता पर क्रिया कर्म जी जो जहाँ बसवा कथा तो ठीक भाव में बसाइबा जदि ता ठीक भाव न बसला तेबे ताहा सार्थक वाक्य हम ना कारण वाक्य जो तीन लक्षण अच्छी तीन लक्षण भितर ये आसती लक्षण टी तर ठीक भाव में विन्यस्त होना तेणु यह सार्थक वाक्य हो पार ना जे आसती अभाव वाक्य सार्थक हो पार ना एक आपण मानक कहीदे आसती बुझेगा जे वाक्य मध्य जो शब्द पर जो शब्द बसाइबा आवश्यक जो शब्द पर जो शब्द बसाइबा आवश्यक ताहा कहुए आसती उदाहरण पढ़ाए कलेजे मु प्रतिदिन पाठ जाए पाने देखु बंधुगण पढ़ाए प्रथम उदाहरण पढ़ाए कलेज मु प्रतिदिन पाठ जाए देख आ द्वारा ज्ञानर धारा अविच्छिन्न रहूना आर द्वारा ज्ञानर धारा विच्छिन्न हो जाए जोटी जहाँ बसवा कथा ता बसी ना तेणु यह गोटे सार्थक वाक्य हम ना हम उदाहरण देखिया प्रहरी हिमालय परी भारत बर्षरे काम करे प्रहरी हिमालय परी भारत बर्षर काम करे देखु ये कौन हो पदगुड़िक ठीक भाव में विन्यस्त होना अर्थात जहाँपर जहाँ रही कथा ता रही ना खाली एमती लिखिदे सार्थक वाक्य हो पार ना तेणु आमको सार्थक वाक्य को आमको आसती लक्षण वाक्यर जहाँ तृतीय लक्षण आमको से लक्षण को आलोचना करने को आम से लक्षण भितर को आमको जीवा पड़ो जदि आम ना तेज यह सार्थक वाक्य हो पार ना देखु बंधुगण मु प्रथम उदाहरण टाक आउ थे आपण भल भाव जनाऊँ पढ़ाए कलेजे मु प्रतिदिन पाठ जाए उपरोक्त वाक्य पदगुड़िकर क्रमिकता रक्षा कर नेतु यह शुणा बेले ज्ञानर धारा अविच्छिन्न होेणु एठारे आसती रक्षा करा जाए न थिबारु एहा वाक्य नुहे तेणु जेहेतु यह सार्थक भाव में विन्यस्त होना पदगुड़िक शब्दगुड़िक तेणु ताहा सार्थक वाक्य हम ना ज्ञानर धारा बाधक सृष्टि करुछि किंतु वाक्य दुईटी को उपयुक्त भाव में सजाई देले ता उपयुक्त वाक्य हम जदि वाक्य दुईटी को ठीक भाव में सजाई देवा तेबे ताहा सार्थक वाक्य हम क उदाहरण हला जे क उदाहरण कहला जे पढ़ाए कलेजे मु प्रतिदिन पाठ जाए जे क उदाहरण जदि आम एया करिबा मु प्रतिदिन कलेज मु प्रतिदिन कलेज जाई पाठ पढ़ाए तेबे एहा हला सार्थक वाक्य द्वितीय नंबर उदाहरण हिमालय भारत बर्षर प्रहरी परी काम करे हिमालय भारत बर्षर प्रहरी परी काम करे एहा मध्य हला सार्थक वाक्य तेणु आम एठी उपरोक्त उदाहरण दुईटी को सठिक भाव में विन्यास कले अर्थात तहार आसती गुणर सुविन्यस्त कले तेणु यह हम सार्थक वाक्य तेणु वाक्यर लक्षण दृष्टि आम वाक्यर लक्षण को तीन भाग में विभक्त करोटे योग्यता गोटे आकांक्षा आ गोटे हूँ आसती तेणु ये तीन लक्षण को नहीं आम वाक्य को सुंदर भाव में लिखन कर बंधुगण यापर आम जा आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश
जे कि व्याकरण भितर आलोचन परिधिक आसे ताकि वाक्यांश अनेक पिला वाक्यांश कौन ताक सठिक भाव में बुझीपारती ना तेणु सब बेले वाक्यांश पाखे असुविधा घटे वाक्यांश जहाँ को आम इंग्राजी फ्रेज बोली कहवा ताकि वाक्यांश तेणु समापिका क्रिया विहीन कौन तुम वाक्यांश देखिया जे समापिका क्रिया विहीन केते गुड़िए पद समष्टि द्वारा गोटे अर्थ प्रकाशित हो पूर्ण मनोभाव प्रकाशित नहले ताक वाक्यांश कहुए तेणु पाने थे भल भाव ध्यान दि समापिका क्रिया विहीन केते गुड़िए पद समष्टि द्वारा गोटे अर्थ प्रकाशित हो पूर्ण मनोभाव प्रकाशित नहले ताक वाक्यांश कहुए अर्थात वाक्यर बुझा जाऊ निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संगति को वाक्यांश कहुए तेणु से कह समापिका क्रिया विहीन से समापिका क्रिया रही अर्थात वाक्यटा शेष हेनी समापिका क्रिया विहीन केते गुड़िए पद समष्टि द्वारा गोटे अर्थ प्रकाशित हो पूर्ण मनोभाव प्रकाशित नहले ताकू वाक्यांश कहुए गोटे भाव प्रकाश करु पूर्ण भाव प्रकाश करून जथा कूल पावन पुत्र पाणी बुड़ी जाऊथुबा दिगंत विस्तारित आदि पदगुड़िक किछि बुझा पड़ुछि हेले भाव संपूर्ण बुझा पड़ू ना तेणु यह हूँ गोटे गोटे कौन वाक्यांश बा फ्रेजेस देख आउ थरे कहि दउछि जे वाक्यांश कौन होउछि जे समापिका क्रिया विहीन केते गुड़िए पद समष्टि द्वारा गोटे अर्थ प्रकाशित हो पूर्ण मनोभाव प्रकाशित नहले ताकू वाक्यांश कहुए तेणु उदाहरण दुईटी देले आपण माने भल भाव बुझिपारे पद्मलोचनक कथा शुणी बापा डट 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 घंटा बाजिला अथच शिक्षक डट 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 अर्थात पद्मलोचन कथा शुणी बापा किसी अंश बुझा पड़ुची किंतु संपूर्ण कथा बुझा पड़ुना घंटा बाजिला अथच शिक्षक किसी बुझा पड़ुची घंटा बाजिला शिक्षक तापर कौन हो मालूम ना शिक्षक आईले आसिले कि नाई शिक्षक पढ़ेले कि नाई शिक्षक कौन कले कि शोपड़े इत्यादि इत्यादि आम मन में भावना कितु आमर से दृष्टि ये वाक्यटा पूर्ण होना समापिका क्रियार व्यवहार होनी तेणु यह सार्थक वाक्य है क ख वाक्य दुईट कि बुझा पड़ू संपूर्ण मनोभाव ये बुझा पड़ूनी अर्थात पद्मलोचनक कथा शुणी बापा डट 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 घंटा बाजिला अथ शिक्षक डट 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 तेणु यह संपूर्ण भाव बुझा पड़ूना तेणु यह सार्थक वाक्य नुहे जदि वाक्यटी एपरी लिखा जाए कौन पद्मलोचनक कथा शुणी बापा चकित हेले तेणु जो चकित हेले ये चकित हेले वाक्यांश घंटा बाजिला अथच शिक्षक श्रेणी को आसिले ना तेणु श्रेणी को जो आसिले ना यह हूँ वाक्यांश तेरे यह सार्थक वाक्य प्रथम वाक्यांश थिबा वर्तमान संपूर्ण वाक्यर एक अंश तेणु यह हूँ वाक्यांश जे प्रथम दिया अंश जा अंश वर्तमान संपूर्ण वाक्यर एक अंश तेणु यह कहे वाक्यांश वाकू इंग्राजी फ्रेज बोली कही था बुझेगा तेणु यह सहज कथा खाली टिके ध्यान दे सब बुझीजापर जा गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा जहाँ को आम खंडवाक्य कहती खंडवाक्य समस्त वाक्य तो वाक्य फिर खंडवाक्य कह अनेक पिला कहते खंड गोटे वाक्यर अधाटा हूँ खंडवाक्य कि जिनस नुह जे केतेक पदर समष्टि केतेक पदर समष्टि कर्ता और समापिका क्रिया थाई सुधा देख खंडवाक्य कर्ता थिबो समापिका क्रिया थिबो कर्ता और समापिका क्रिया थाई सुधा पूर्ण मनोभाव प्रकाशित नहले से पद समूह गोटे बृहत्तर वाक्यर अंश होते खंडवाक्य क्लज बोली कहुए आउ थ रिपीट करदे केतेक पदर समष्टि कर्ता और समापिका क्रिया थाई सुधा पूर्ण मनोभाव प्रकाशित नहले एवं से ही पद समूह गोटे बृहत्तर वाक्यर अंश होते खंडवाक्य क्लज कहुए देख जे आमर से वाक्यांश समापिका क्रिया रही कितु ये कर्ता थी समापिका क्रिया ना ये कर्ता अच्छी समापिका क्रिया अच्छी है मनोभाव को पूर्ण जदि न बुझौती तेबे ताकू आमे कौन करिया ना बृहत्तर वाक्यर गोटे अंश बोली कहिबा से अंश को आमे कौन कहिबे खंडवाक्य बोली कहिबा जथा अन्य पिला माने बंध उपरे जेतेबेले आंब गोटाउथिले अन्य पिला माने बंध उपरे जेतेबेले आंब गोटाउथिले एठारे गोटाउथिले होउछि कौन ना समापिका क्रिया समापिका क्रिया थाई सुधाया संपूर्ण नुहे
तेणु जो वाक्य समापिका क्रिया थाई वाक्यटी असंपूर्ण थाए ताहाको खंडवाक्य कहुए तेणु सर्ट्रे आम कौन कहवा जो वाक्य समापिका क्रिया थाई वाक्यटी असंपूर्ण थाए ताहाको खंडवाक्य कहुए उपर खंडवाक्यटी को संपूर्ण कले वाक्यटी एहिपरि हेबो कौन हेबो आम प्रथम पाई अन्य पिला माने बंध उपरे जेते बेले आंब गोटाउथिले तापर आम कौन कले अन्य पिला माने बंध उपरे जेते बेले आंब गोटाउथिले एटा प्रथम वाक्य थिला कमा देले सेते बेले रमाकांत बंध निकटरे थिबा आउ एक गच्छ मूळरे बसी बंशी बजाउथिले तेणु देख आम कौन पाइले ना समापिका क्रिया थाए कर्ता आ समापिका क्रिया थाई जदि मनर भाव पूर्ण मात्र प्रकाशित नहला एवं ताहाको बृहत्तर वाक्यर गोटे अंश हेब ताहाको आम खंडवाक्य कहिबा आउ गोटे उदाहरण कौन पाइले जो वाक्य समापिका क्रिया थाई वाक्यटी संपूर्ण नुहे ताहाको आम खंडवाक्य बोली कहिले तेणु देखा तापर कौन जे यही वाक्य अन्य पिला माने बंध उपरे जेते बेले आंब गोटाउथिले एक खंडवाक्य प्रथमे कहिदिली अन्य पिला माने बंध उपरे जेते बेले आंब गोटाउथिले एक खंडवाक्य एवं सेते बेले रमाकांत बंध निकटरे थिबा आउ एक गच्छ मूळरे बसी बंशी बजाउथिले एहा एक खंडवाक्य एई दुई खंडवाक्य साहाज्यरे पूर्णांग वाक्यटा गठित होईछि अर्थात ए दुईटाक खंडवाक्य मिसिकी गोटे पूर्णांग वाक्य सृष्टि करछन्ती एई दुई खंडवाक्य केही एकाकी स्वयं संपूर्ण वाक्य नुहन्ति अर्थात खंडवाक्य केवे स्वयं संपूर्ण नुहे दुईट खंडवाक्यर मिसला बेलू गोटे गोटे वाक्य पूर्णांग वाक्य होला तेणु खंडवाक्यर ए अंश से अंश केही स्वयं संपूर्ण नुहन्ति बुझेला ए भली भावरे कौनसी पूर्णांग वाक्य जदि एकाधिक खंडवाक्य थाए तेबे सेगुडीक मध्यरे गोटे खंडवाक्य मुख्य एवं आउ गोटे खंडवाक्य गुण होता है तेणु एभली कौन पूर्णांग वाक्य जदि एकाधिक खंडवाक्य थी से एकाधिक खंडवाक्य गोटे मुख्य खंडवाक्य होला बेले आउ गोटे गौण खंडवाक्य हो बुझी ए गौण खंडवाक्य कोवाक्य कह जाए यहाँ इम्पोर्टाट कथा परीक्षा प्राय आसे पिला मन रख जे उपवाक्य का जाए वाक्य का जाए जान पुणी उपवाक्य का जाए तेणु कौन लिख जे उपवाक्य का जाए ना वाक्य भितर जो गौण वाक्य गौण खंडवाक्य को आम कौन कहते उपवाक्य कहते गौण खंडवाक्य गोटे पूर्णांग वाक्य जदि बेस दुई एकाधिक खंडवाक्य थाए तेणु गोटे खंडवाक्य को कह गौण खंडवाक्य आ गोटे हम मुख्य खंडवाक्य तेणु ये गौण खंडवाक्य को आम कौन कह उपवाक्य बोली कह तेणु उपवाक्य का जानीगल उपर वाक्य अन्य पिला माने बंध उपरे जेते बेले आंब गोटाउथिले आंब गोटाउथिले खंडवाक्यटी अप्रधान बा गौण वाक्य बुझेला अन्य पिला माने बंध उपरे जेते बेले आंब गोटाउथिले ए खंडवाक्यटा होची अप्रधान बा गौण खंडवाक्य बाकु आम ये कहवा एटा होची उपवाक्य जे संपूर्ण वाक्यर ए अंशटा को आम कहवा उपवाक्य कारण एटा होची गौण खंडवाक्य तेणु यह एक उपवाक्य अन्य वाक्यटी ସେତେବେଳେ ରମାକାନ୍ତ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଧାନ ବା ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଧାନ ବା ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବାକୁ କହିଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ସେଠି ରହିଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟରେ ତା ରହିଲା ଗୌଣ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଉପବାକ୍ୟ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ରମାକାନ୍ତ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବା ମୁଖ୍ୟ वाक्य मुख्य खंड वाक्य तेणु पाने तुमर वाक्यर संज्ञा आओ वाक्यर लक्षण वाक्यांश खंडवाक्य मुझे शेष कली आशा करे या तुम मान बहुत उपकार आसव जदि आपण मैंने मो भिडी को सब्सक्राइब करना तेज दयाक सब्सक्राइब करनी रोचे आपण मानक अशेष धन्यवाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।